कहाँ गया था तुम? अंकल के लिए सिगरेट लाने के लिए गया था। क्या? बाजू वाले अंकल के सिगरेट लाने के लिए गया था। सिगरेट? हाँ। कौन बोला तुझे? अंकल। कौन है अंकल? ऊपर वाला रहता है। ऊपर वाला? हाँ। दिखा दो कौन है। देखो बकलोल बन के तू ये लाने के लिए गया था। हाँ। ये क्या पता है तुझे? आज बताता हूँ इसे पीने के बाद क्या होता है, ठीक है ना? शुभम एक बाल्टी और एक बोतल ले गया, तो बकलोल को समझाएंगे ये मौत खरीदने के लिए गया था। ओके, पानी का एक बोतल ले गया था, पानी डालने के लिए बराबर देखने का, उसको जाके समझाने का कि भाई ये मौत खरीदने के लिए तो मुझे भेजा था, ठीक है? बराबर एक मिनट रुक जा, यहाँ पे एक होल है, अभी कर एक मिनट इसे पकड़ दो इधर। वजह से अपने शरीर को अंदर कितना नुकसान पहुंच रहा है, और सिर्फ ये एक सिगरेट का धुआं अपना फेफड़े के अंदर कितना तेजी से जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम रोजाना जो लोग चेन स्मोकर होता है ना, ये लोग है ना सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद सोने से पहले ये ना रोज लेते हैं, तो एक सिगरेट की वजह से उतने फेफड़े को कितना नुकसान होता है और आगे जाके क्या नतीजा होने वाला है ये उनको भी पता नहीं। तो हम सभी से निवेदन है, आप थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो कि एक सिगरेट की वजह से अपना जो फेफड़े ना वो फेफड़े कितना गंदा हो रहा है, और आगे जाकर वो जो कैंसर का रूप लेगा और परिवार में अपना संतियाँ पैसा शारीरिक मानसिक सारे तनाव बढ़ेगा। तो हम सभी से निवेदन है कृपया ये सिगरेट जैसे नशीला द्रव्य है ना वो सबसे दूरी रखिए। तो आप देख सकते हो पूरा बोतल के अंदर है ना पूरा भारी मात्रा में धूमड़ भरी हो गया। अभी देख सकते हो एक सिगरेट भी अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम देखेंगे कि अपना जो आर्टिफिशियल हमने लंग्स बनाया था वो क्या हो रहा है उसका नतीजा ये है। अब देख सकते हो एक सिगरेट से अपना फेफड़े का रिजल्ट यह हो रहा है। तो सभी से निवेदन है कृपया सिगरेट बीड़ी जैसे नशीला पदार्थ से आप दूरी रखिए। नमस्ते, और सभी को ये वीडियो सभी से निवेदन है कि सब शेयर करें, और जितने भी लोग हैं ना अपने परिवार आसपास में सिगरेट पी रहे वो सबको सचेतन करिए कि सिगरेट से दूरी रखिए, अपना परिवार को सुखी समृद्ध कीजिए। धन्यवाद सर।